जीएसटी काउंसिल बैठक यह जीएसटी काउंसिल 22तम बैठक हेबो जीएसटी रे विभिन्न स्लाब रही थबारो एहाको विभिन्न महल रे समालोचना करा जाउची। ए समालोचना परे निकट रे अर्थमंत्री अरुण जेटली जीएसटी स्लाब को कमाइबा सुजोग रहीछि बोली संकेत मध्य दे सारिछन्ते। तेनु आजर बैठक रे निष्पत्ति निया जाय पारे। आजर बैठक बहुत गुरुत्व बहन करूछि। देशरे गत जुलाई मासरो सामग्री व सेवा टिकस कार्यकारी होउछि। एथिरे 4टी स्लाब रहीछि सेगुडी को हला 5 12 18 एवं 28 प्रतिशत। एथिसहित सुना उपरे जीएसटी हार 3% रही बेले केतेक अत्यावश्यक सामग्री को जीएसटी परिषद रु बाद दिया जाइछि। एहा व्यतीत लोकंक स्वास्थ्य एवं परिवेश उपरे प्रतिकूल प्रभाव पकाउथबा सामग्री उपरे 28% जीएसटी उपरे सेस बा उपकर आदाय करा जाउछि। आसंता 8 तारीख जाए सारा राज्य में प्रबल वर्षा संभावना। उपकूल और आभ्यंतरण ओडिशा रे अति प्रबल वर्षा हेबो बोली सूचना देछि आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र। पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागरीय बळे आसंता 24 घंटा रे लघुचाप रूप नेबो जार प्रभाव रे आज उपकूल और आभ्यंतरण ओडिशा रे प्रबल वर्षार संभावना रहूछि। पवन रो बेग घंटा प्रति 45 रु 50 किलोमीटर बेग रे बहिबार संभावना थिबारु मत्स्यजीवी मानकु समुद्र को जिबाकु बारण करा जाइछि। ए संपर्क में अधिक सूचना पाई पाणीपाग कार्यालय सम्मुखें अच्छा आम प्रतिनिधि मलय रंजन महांती सीधा सड़क जावा पाखक मलय आसंता 8 तारीख जाए सारा राज्य में प्रबल वर्षार संभावना देखाई कौन रही वेदर अपडेट। स्मृति लग्न जहाँ आम देखु बर्तमान भुवनेश्वर में स्पष्ट चित्र हो वर्षा टिपिटी भी लगी रही है। सामग्री भाव जो चित्र देखा जहाँ तथ्य आम संग्रह कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र जोटा पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर जो घूर्णीबल सृष्टि होता दुई दिन भितर आसंता 48 घंटा मध्य से लघुचाप रूप नवार संभावना रही है। जोटा कि बर्तमान जेहतु मौसुमी रही है आक्टिव ओडिशा तेनाली सहायक हो लघुचाप रूप नवार संभावना रही है। सहित सारा ओडिशा आप देखते आसंता तीन दिन धरी साड़ा ओडिशा मध्यम वर्षा हम एवं उपकूल ओडिशा रे हेवी टू अति अति प्रबल प्रबल टू अति प्रबल जोटा हेवी टू आउरी जो प्रबल वर्षा हम ता सहित आप देखूँ इंटेरियर ओडिशा जोटा कहते हैं हेवी रेनफॉल हम ता सहित सर्वाधिक वर्षा जदि आम देखा गत 24 घंटा भितर चांदवाली 24 मिलीमिटर होती गोपालपुर 16 मिलीमिटर पूरी 18 मिलीमिटर भुवनेश्वर कम हो 4 मिलीमिटर कितु आज देखिए आज सबुठ अधिक वर्षा हार संभावना रही है। आज आरंभ वर्षा और दुई दिन भितर 48 घंटा भितर जो कौन 24 48 घंटा भितर ताहा लघुचाप रूप नवार संभावना रही है। समग्र विक्षिप्त भाव वर्षा हम सारा ओडिशा ता सहित तीन दिन धरी वर्षा लग र सामग्रिक भाव जहाँ सूचना दूसरे आमको इंडिकेट करूँ मॉडल इंडिकेट करूँगी लघुचाप रूप नवार संभावना रही है। जेहतु मौसुमी आक्टिव अच्छी प्रबल वर्षा हम ता सहित मत्स्यजीवी मानक समुद्र को जाती से सतर्कता अवलंबन करा कहुई सहित पवन रेग जोटा घंटा प्रति 35 रु 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहा सहित जहाँ सूचना दि जाइए जेहेतु बर्तमान 48 घंटा मध्य लघुचाप रूप नवार संभावना रही तेणु विक्षिप्त भाव वर्षा को एड़ी दि जाए नपारे आपंकर इंटेरियर ओडिशा कहती हेवी रेनफल हम उपकूल ओडिशा सबुठ अधिक वर्षा हम अर्थात विक्षिप्त भाव में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हम तेणु बर्तमान भी आम सूचना दूचु जी जगार भुवनेश्वर में वर्षा टिपटिप आरंभ हो जाए तेणु आप देखते विभिन्न जगार व्यापक भाव वर्षा हमारे संभावना अच्छी से सतर्क सूचना जारी कराई और सतर्क नजर रखाई प्रकृत में वर्षाटा केत आगे बढ़ लघुचाप रूप नौची कि ना स्मृति लग्न बहुत बहुत धन्यवाद मलय समस्त सूचना पाई। जब भाव में मलय रंजन महांती आमको सूचना दौले जे वर्षा लग र लघुचाप प्रभाव में जो वर्षा लग रशेषकर उपकूल ओडिशा रे आभ्यंतरण ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षार संभावना रही। आसवा परवर्त खबर को लगा वर्षा ब्रह्मपुर हाल बेहाल हो प्रबल वर्षा सहर तली अंचल भरी जाइए फल जातायात लोकों नाना असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ी। आज पूजा छुट्टी पर स्कूल खोलू तेज वर्षा लग रधिकाश पा स्कूल जापारी से भाई रास्ताघाट लोक मैंने वर्षा जो हैरान होता देखा मिली। आगक वर्षा जारी रही स्थिति आहुरी बिगड़ आशंका होहरवासी भितर बढ़ी जा चिंता। रिमांड शेष पर जेल गले 4 पीएलएफआई सदस्य दुईदिनिया रिमांड अवधि सरिबा परे पीएलएफआई सदस्यों को एसडीजेएम को कोर्ट में हाजर करा जाइथिला परे समानको रौरकेला स्वतंत्र कारागार को पठाई दिया जाइछि। पीएलएफआई सदस्य तथा बीएसएफ रो पूर्वतन असिस्टेंट कमांडेंट जदु मणि पात्र सहित पीएलएफआई रो ओडिशा झारखंड जोनाल कमिटी सदस्य अर्जुन राणा कोईडा व बडबिल अंचल पीएलएफआई एरिया कमांडर सूर्या ओरफ करण सय एवं राउरकेला इस्पात कारखाना कर्मचारी मनु कुजुन बहु गुरुत्वपूर्ण तथ्य उगा ब्रह्मित्रपुर पुलिस अधिक जेरा पुणी रिमांड ने
विचार करुथबा पुलिस सूचना देछि। जाजपुर सांसद रीता तराई पोष्य पंचायत है सदर ब्लक भुवनेश्वरपुर 2014 सांसद आदर्श पंचायत भाव में घोषणा करते कि गला तीन वर्ष गाँव छवि किसी भी परिवर्तन होना रास्ताघाट जमी सेमती बार्धक्य भत्ता इंदिरा आवास मौकुड़िया योजना पायखाना भली अनेक सरकारी योजनार सुफल एटी जमी सात सपन हो रही जाए सरकारी योजनार कार्यकारिता को नहीं बर्तमान प्रश्न उठाई ग्रामवासी सांसद उत्तर केन्द्ररु मिलुथबा अर्थ पर्याप्त नुहे तेणु आदर्श पंचायतर विकास असंभव अटे। जाजपुर सदर ब्लक भुवनेश्वरपुर पंचायत ये होची पंचायत केन्द्रस्थल अवस्थित कुनिंदा गाँ गाँ को तीन वर्ष तलु पोष्य भाव घोषणा करिछंती सांसद रीता तराई किंतु सेबेठु गाँव में कौनसी आखि दृश्या काम होइनी। रियलिटी चेक पाई आमे पहुंची थिलु कुनिंदा गारे 2014 मसीहा अक्टोबर मासरे जाजपुर जिला जाजपुर ब्लॉक रो भुवनेश्वरपुर पंचायत को जाजपुर सांसद रीता तराई पोष्य पंचायत भावे ग्रहण करथिले। इति मध्यरे तीन वर्ष बीती जाइछि हेले एबे भी सुधुरिनी पंचायत रो अवस्था से संपर्क रे जानिया पाई आमे पहुंचिछु भुवनेश्वरपुर पंचायत रे। सांसदंक एही आदर्श पंचायत रे विकास जेमिति स्वप्न गरीब लोके पायखाना करिछंती सत किंतु एपर्यंत टंका मिली नाही विभिन्न सरकारी योजना एठारे फेल मारिथिबा अभिजोग होईछि। प्रकृत हिताधिकारीकु इंदिरा आवास मो कुड़िया मो गुहाळ पायखाना और राशन कार्ड आदि सुविधा मिली पारिनथिबा अभिजोग करिछंती ग्रामवासी। दुई वर्ष हला पायखाना करनुनु एपर्यंत पैसा मिलिनि फटाफट उठे ना फिर लास्ट बेलू कहे ब्लक कह पैसा ना से रेकर्ड पत्र सब हजिगलानी आउ थे उठा जाओ पुणी आउ थे उठे ना नहीं पर्यटन दौना मत तेसठी वर्ष बाध्यता मुझे पाई सरपंच को नुआ सरपंच कह ये पार अंगनवाड़ी वाला जाए करेंगे आसिक कहीगले कहला बेलू ना आम देव सीजे देखिक देने आमर हम आदर्श पंचायत होम किसी पाईपार पाखे देखिए गाँ रास्ताघाटर अवस्था कहिले न सरे मौलिक सुविधारु वंचित ग्रामवासी पानीय जल जोगान देबाकु एठारे निर्माण होइथिला क्षुद्र पानीय जल प्रकल्प ताहा मध्य सठिक भावे कार्यक्षम होइ पारिनि स्टैंडपोस्ट गुड़िक भांगी रुजी नष्ट होइगलानि जलसेचन सुविधा नथिबारु चाष काम विशेष भावे प्रभावित होउछि। सांसद कहिछन्ति केन्द्ररु जहाँ भी सहायता मिलुछि सेथिरे विकास असंभव विशुद्ध पानीय जल जोगे दिजो पानीय जल जोगाड़ जो जल जोगाण प्रकल्पटी RWSS द्वारा होता से तार भांगा आरंभ कला जो स्टैंड पोस्ट गुड़िक भांगा आरंभ कला बर्तमान बोधे वर्षे भितर से आउ वाटर सप्लाय ना केन्द्र सरकार तरफ जिते सहयोग करा कथा ताजोग करना फल पंचायत लोक मान विभिन्न जो आशा आकांक्षा समस्या सब रही एपर्त पूरण हो पारे ना आमर जो सांसद पांठि आसूची ता जो वर्ष को 5 कोटी टंका आसूची जो 5 कोटी टंका आसूची ये तो एत बड़ जिला को से तो समुद्र को संखे परी केवल कुनिंदा नुहे सांसद को आदर्श पंचायतर बाकी गाँव में मध्य समान अवस्था जदि आदर्श पंचायतर ए अवस्था अन्य गाँ गुड़िकर केमिति अवस्था थिबो एथुरु स्पष्ट बुझी। जाजपुर सुजित मल्लिक कटक राजा बगीचार साहि गंडगोल घटन आउ 26 जन को गिरफ्त कर पुलिस यहाँ मिसाई गिरफ्त कर संख्या 52 को वृद्धि पाई गिरफ्त भितर 13 जन महिला अच्छा गंडगोल घटन गत काली 26 जन को गिरफ्त कर पुलिस एवं भी चापा उत्तेजना लगि रही घटनास्थल में 4 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कर ए संपर्क में अधिक सूचना पाई फोन लाइन अच्छा आम ईटीवी प्रतिनिधि नवेश महांती। नवेश वर्तमान सुधा जदि देखा टोटाल 52 जन गिरफ्त हो सारे वर्तमान सुधा चापा उत्तेजना लगी रही कहुच्छ स्थिति केमती देखुं साहि स्थिति एवं भी संगीन अच्छी स्मृति लग्ना कारण चापा उत्तेजना एवं रही जेहेतु पूर्व 26 जन उभय साहि लोक गिरफ्त होते
ଆଜି ଭୋର ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି 26 ଜଣ ଗିରଫ ହେଲେଣି, ମୋଟ 52 ଜଣ ଉଭୟ ସାହିରୁ ଗିରଫ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ବି ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଅଛି, ଏବଂ ସେହି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦେଖି 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 2ଟି ଥାନାର ଆଇଆଇସି ପୁରୀଘାଟ ଏବଂ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ଆଇଆଇସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଅଛି, ଏବଂ ଯାହା ପୋଲିସକୁ ଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ କାଳେ ସାନି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପୁଣି ହେଇପାରେ, ପୁଣି ଥରେ ଛୋଟ ଧରଣର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଇଏ ତ ଗଲା ସ୍ଥିତି କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗିରଫଦାରୀ କଥା କହିବା, ଡିସିପି ଗତକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏହି କିସମ ତଳେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାରଣ ଯୋଉ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଢେଲାପତ୍ର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଠି ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ପରସ୍ପରକୁ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଖୋଜିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯିବ। ତେବେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 100କୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁପାରେ, ତେଣୁ ଗିରଫଦାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ 100କୁ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଭେ ସେ 4 ଦିନ ତଳର ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି, କଣ ହୋଇଥିଲା ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ କଣ ରହିଥିଲା ସେ କାରଣ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପୁରା ଏଇ ଘଟଣାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଯିବା, 4 ଦିନ ତଳର ନୁହେଁ, ବରଂ ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ସାହି ବିବାଦକୁ ନେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯୋଉ ସର୍ବୋଦୟ ସାହି ରହିଛି ସେଠାରେ ନାୟକ ସାହିର ଲୋକମାନେ ଏକ ଠାକୁର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠୁ ହିଁ ଏଇ ନିଆଁ କୁଳୁଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ଷାଣୀ ଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଧରଣର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହିଁ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଡାଳିବା ଭଳି କାମ କରିଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ସକାଳ ପାଖାପାଖି 4:30 ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନାୟକ ସାହିର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବୋଦୟ ସାହି ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ସର୍ବୋଦୟ ସାହି ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାରି ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କମେଟି ମରା ବି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଯାହା ପୋଲିସ କମିଶନର ୱାଇ ବି କୁରାନିଆ ଗତକାଲି କହିଥିଲେ। ନିହାତି ଏବେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍ଥିତି ଏତେ ବାଟକୁ ଆସିଗଲା। ଘର କଥା ସମାଧାନ କରାଗଲାନି, ଏବଂ ସ୍ଥିତି ହିଂସାତ୍ମକ ହେଲା, ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବଦଳରେ ଲୋକମାନେ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ କଲେ, ଏବଂ ଦୁଇ ସାହିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଛି, ତା ଆମ ସମାଜରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ। କାର୍ତ୍ତିକରେ ପୁଣ୍ୟ, ମାସକ ପାଇଁ ବ୍ରତ, ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ନିରାମିଷ ଭୋଜନ, ତେଣୁ ପରିବା ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଭାଉ, ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଦର ଅଧିକ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆମିଷ କମ୍, ନିରାମିଷ ଅଧିକ, କାର୍ତ୍ତିକରେ ପରିବା ଉପରେ ବେଶୀ ମାଡ଼, ବଜାରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦର। ପୋଟଳ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା ଉପରେ, 30-40 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ବଡ଼ ଫୁଲକୋବି ମିଳୁନି। ଟମାଟୋ ଥିଲା 20, ଏବେ KG 30। ବ୍ୟବସାୟୀ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ପରିବା ସିଜିନ୍ ନାହିଁ, ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲେ ଦର ବଢ଼ିବ ହିଁ ବଢ଼ିବ। ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ କିଣା ହେଉଛି ବହୁତ ଲସ୍ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗ ଯେଉଁ ବେପାର ଯାହା ହେଉଥିଲା ସେଇ ରେଟ୍ ନେଇକି ବିକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ବାଇଗଣ ପକା ବାହାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 30-35 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି ବାଇଗଣ, ଯେହେତୁ ପୋଟଳ 30 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି, କାକୁଡ଼ି କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି, 40 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା, ଭଣ୍ଡା ତ 20, ଫୁଲକୋବି ଗୋଟା 40-50 ଟଙ୍କା ଅଛି, ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି, ଟମାଟୋ ଟିକେ ରେଟ୍ ଆଜି ଟିକେ କମିଛି। ମାସକର ବ୍ରତ, ପରିବାରରେ ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବା କିଣିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଦାମ ଯେତେ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ରେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କି ଯାଏ ସେ ଆମର ଦରକାର ଆମେ ଖାଇବୁ, ରେଟ୍ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି? ବହୁତ ଲୋକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ସେଇଟା ଅଛି ନା ନିୟମ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ୟୁଜ୍ ହବ, ପରିବାଟା ୟୁଜ୍ ହବ, କଦଳୀ ସାରୁ ମାଟି ଆଳୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ହଉ, ଏଇଟା ବେଶୀ ବଢେ, ରେଟ୍ ତ ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ, ପରିବାର କଞ୍ଚା ପରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ନମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ହାଟରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ମୟୂରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।
नवरात्रे दिल्लीर विवेक विहार थाना राधे माँ को वीआईपी ट्रीटमेंट देवा थाना अधिकारी समेत छह पुलिस को महंगा पड़ा। ए घटना संपर्कित एक फोटो गणमाध्यम प्रकाश पाइबा संपृक्त छह पुलिस को लाइन आटाच कर दि जाए। तेरे घटना को नहीं चर्चा आरंभ होगापर दिल्ली पुलिस यार तदंत आरंभ कर दिल्लीर विवेक विहार पुलिस स्टेशन में राधे माँ इन्स्पेक्टर चेयर में बसी बेले निकट में पुलिस अधिकारी हाथ जोड़ी ठिया होता देखा मिलता। एथस केतेक पुलिस कर्मी राधे मां करो सहित नृत्य करथुबा वीडियो मध्य सामना को आछि। आज ठारु आरंभ होउछि 17 वर्षरु कम फिफा विश्वकप भारत रे प्रथम थर पई आयोजित होउछि विश्वकप रो ए मेगा इवेंट। एने देखिबा हमर स्वतंत्र विभाग फुटबॉल फिएस्टा। मैदान तैयार, खेलाड़ी भी प्रस्तुत। प्रथम थर भारतीय माटी रे हेबो फुटबॉल रो मेगा इवेंट जहाँ फुटबॉल प्रेमी को भितरे नाही नथिबा उत्साह देखिबा को मिलछि। फिफा 17 वर्षरु कम फुटबॉल विश्वकप रे आज 4टी मैच खेला जिवो। दुई थर विजेता घाना व कोलंबिया भितरे उद्घाटनी मैच दिल्ली रो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रे खेला जिवो। से भले उद्घाटनी दिवस रे आयोजक भारत निजर प्रथम मैच रे अमेरिका को भेटिबो। दिल्ली रे उद्घाटनी दिवस रे घाना कोलंबिया व भारत अमेरिका मुकाबला व्यतीत ग्रुप बी रो आउ दुईटी मैच न्यूजीलैंड तुर्की पारागुए माली भितरे खेला जिवो। तबे ग्रुप बी रो ए दुईटी मैच नवी मुंबई रे खेला जिवो बोली जणा पडछि। ए संपर्क में अधिक सूचना सीधासख जा आम प्रतिनिधि अजय दास को पाखक। अजय, भारत में प्रथम थर पर एक मेगा इवेंट भली भाव में हो कहवा कटक खेल प्रेमी जो माने अच्छा भितर आप मानसिकता केमी मनोभाव देखा पाँच देखंतु स्मृति लग्न मुझे कहबि ताले निश्चित भाव में ओडिशा काहीकि भारत काहीकि तेणु समस्त गोटे आज निश्चित भाव में गोटे बहुत बढ़िया दिन कहीं प्रथम थर लगी फिफा विश्वकप 17 वर्ष कम फुटबल आरंभ हो पाला उत्साह तो आम देखुं कटक छोट छोट पाने सकु निजे जर्सी पिंधिकी सुंदर भाव में एकत्रित हो खेलुंतर कह कथा के भारत में यह बड़ फुटबल आयोजन होना तेणु से भाग्यवान कारण से आगे बहुत किसी शिखा को पाइबे बहुत बड़ बड़ स्टार को देखिए भारत खेलु भल कर सीधा सड़क प्रतिक्रिया जाना केमती लगुच भारत प्रथम थर लगी विश्वकप हो बहुत उत्साहजनक लगुच इंडिया प्रथम थर एमतीया वर्ल्ड कप भाया ये को प्रशिक्षण करुच्ची खेलाऊँ सब टीम की तेणुक आम ओडार भी केतेज खेली इंडिया टीम अंडर सेवेन अंडर सिक्सटन टीम विकी ओराम बेली जन अच्छी राकेश ओराम भी मुंबई सिटी एफ्स खेलु अंडर सेवेन्टीन टीम भल खेली भल जितु आम समस्त उत्साह बढ़ाऊ अंडर सेवेन्टीन टीम बेस्ट ऑफ लक। प्रथम मैच अमेरिका विपक्ष में आज अच्छी सन्ध्या भल के रो तुम्हें मैंने देख कि आम सियोर देखिए समस्ते देखिए इवनिंग में 7:30 PM रे अच्छी समस्ते देखिए यूएसए सहित ब्राजिल सहित भल स्कोर करता भल भी एवं एएफसी अंडर सेवेन अंडर सिक्सटन क्वाफाए कर भल भी मनोकामना भारत भल कर निश्चित भाव में तुम कौन आशा रखी टीम इंडिया टीम इंडिया निश्चय भल रिजल्ट कर आशा अच्छे आउ फर्स्ट टाइम पे अंडर 17 वर्ल्ड कप खेलु से बहुत उत्साह अच्छे आम आउ फर्स्ट टाइम पे इंडिया भल रिजल्ट कर तुम्हें कौन भाव टीम केमती कर प्रथम थर वर्ल्ड टीम निश्चय जितियो भल कर आज सब देख सर। अच्छा आम सहित जो मैंने वरिष्ठ पूर्वतन फुटबलर अच्छा पचार केमती देखुं प्रभाव पड़ो भारतीय फुटबल विश्वकप्र जेहेतु यहाँ भारत में यही मेगा इवेंट प्रथम थर होबू आरंभ ये मेगा इवेंट हम बोली स्थिर होती दिन ठारूम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बा भारत सरकार से AIFF से तार उद्यम जारी रखी और से ही दिन पिला ट्रेनिंग रे जार रिजल्ट की आम एचु AFC क्वालिफाई कर ईरान जी इराक जी कि AFC कप आर वर्ष लास्ट ईयर चंपियान तांगे ड्र रखी क्वालिफाई करेणु आम निश्चय भावुँ ये जो इवेंट टी हम आमेरिका को तो जितब आमर निश्चय गोटे एमती स्थिर पॉइंट पहुँच जोटि पृथ्वी स्तर में विश्व स्तर में आमर भारत मानचित्र फुटबल स्थित एत मजा मान भविष्य फुटबल स्मृति लग्न किसी बालिका फुटबलर मैं अच्छा पाखक पलि आस पदे तुम भी अच्छा केमती भारत में आज विश्वकप आरंभ होमती रही उत्साह बहुत भल लगुच फर्स्ट टाइम पर इंडिया हो फर्स्ट टाइम पर इंडिया टीम भी फिफा पार्टिसिपेट कर इंडिया टीम बेस्ट ऑफ लक
अच्छा खेल देखिले किछि इम्प्रूवमेंट हबो पिला माने इंडिया टीम पई शुभेच्छा आसुतला बहुत बहुत धन्यवाद अजय समस्त तथ्य पई जेभली भाबरे आमे प्रतिक्रिया सुनथुलु समस्त को भितर एक्साइटमेंट रहिछि समस्त उत्साहित एवं एहा को एक सुवर्ण सुजोग बोली कहथिले जेतु भारत रे मेगा इवेंट होउछि समस्त कहथिले जे निश्चय भाबरे भारत उपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़िबो एवं लोकमानकर खेलाळी मानकर मानसिकता आहुरी अधिक सुदृढ़ हेबो आसीबा परवर्ती खबर को आज थारु आरंभ होउछि रणजी ट्रॉफी रो 84तम संस्करण एथरो 28 टीम को 4टी ग्रुप रे विभक्त करा जाय छी प्रत्येक ग्रुप रे 7टी लेखाय टीम स्थान पाइछंती प्रत्येक ग्रुप रो श्रेष्ठ दुई दल क्वार्टर फाइनल को उन्नीत हेबे डिसेंबर 7 तारिख रो क्वार्टर फाइनल खेला जिवो ओडिसा आज निजरो प्रथम मैच त्रिपुरा विपक्ष रे खेलिवो फिल्मी फ्राइडे रे आज रिलीज होई छी तीनी तीनोटी बॉलीवुड फिल्म सेफ जुली 2 अक्षर 2 सेफ जरिया रे बहु दिन रो व्यवधान परे बॉलीवुड को कमबैक करूछंती सेफ अली खान तबे अन्य भूमिका रे पद्मप्रिया धनुष एवं दिनेश अभिनय करछंती सेभली भाबरे हॉलीवुड फिल्म सेफ रो एहा हेउछी हिंदी वर्सन बहु प्रतीक्षित फिल्म जुली 2 मध्य आज पर्दा को आसुछी 2004 रे रिलीज होइतबा थ्रिलर फिल्म जुली रो एहा हेउछी सिक्वेल तबे दीपक शिवदासनिंकर निर्देशनारे प्रस्तुत होइतबा ए फिल्म रे दक्षिण भारतीय अभिनेत्री एंट्री करिछंती बॉलीवुड दुनिया रे कास्टिंग काउस पर घटना को नै फिल्म रो कहानी आधारित होइछि सपटे आउ एक फिल्म अक्षर रो सिक्वेल फिल्म अक्षर 2 रिलीज हो जाइछि रोमांस रे भरपूर ए फिल्म रे जरीन खान मोहित मदन अभिनव शुक्ला अभिनय करथिबा नजर आसिछंती सकाळ रो ओडिसा रे खबर एतिकी विदाय दियंतु नमस्कार।